डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो यानी ऊर्जा प्रवाह के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, प्रकृति में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा का निरंतर प्रवाह चलता रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि जीवों की विभिन्न जो जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए ऊर्जा अति आवश्यक होती है। और ये जो ऊर्जा है, इसका पृथ्वी पर एकमात्र स्रोत जो है सूर्य होता है। यानी सूर्य से जो प्रकाशी किरणें वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी तक आती हैं, और ये जो विकिरणें हैं लगभग 100% भाग जो है इनका पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, यानी लगभग 20% भाग जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, और 50% जो भाग है वो पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित हो जाती है। 30% जो है प्रकाश जो है या प्रकाश की जो किरणें हैं विकिरणें हैं ये वायुमंडल में उपस्थित धूल के कारण वो आकाश में मौजूद बादलों में परावर्तित हो जाती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जीवों की जो विभिन्न जैविक क्रियाएं हैं उनके लिए ऊर्जा की अत्यावश्यक आवश्यकता होती है। और ये जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा है उसका जो स्रोत है, मुख्य स्रोत वो सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य के प्रकाश से जो जो एनर्जी है वो विकिरणों के रूप में वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ये जो विकिरणें हैं ये एक तरह से 100% नहीं पहुंच पाती, इनमें से लगभग 50% भाग इनका जो है धरातल पर पहुंचकर अवशोषित होता है। शेष जो 50% भाग है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है एवं वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण और जो बादल हैं उनसे परावर्तित हो जाता है। तो विभिन्न इकोसिस्टम में जो संचालित खाद्य श्रृंखला में भोजन जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फूड चेन में हम देखते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो होता रहता है, या इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो भोजन के माध्यम से ऊर्जा का अभिगमन और विभिन्न पोषक स्तरों से खाद्य श्रृंखला द्वारा संचालित होता है। यानी जो भोजन है प्रोड्यूसर है उनको कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स काम में लेते हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी। इस तरह से एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चतुर्थ पोषक स्तर में जो भोज्य पदार्थों का जो प्रवाह होता है उसके साथ ही एनर्जी का भी प्रवाह होता है। लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूसर द्वारा जितनी मात्रा में उत्पन्न होती है उतनी मात्रा में प्राइमरी कंज्यूमर में नहीं जाती, उनका कुछ प्रतिशत जो है क्षय हो जाता है। और सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से जो क्वार्टरनरी जो ट्रॉफिक लेवल है यहाँ पर निरंतर जो है ऊर्जा का क्षय होता रहता है। तो हम बात कर रहे थे जो इकोसिस्टम है उनमें जो एनर्जी फ्लो है उसका क्रम जो है उसमें एक निरंतरता चलती रहती है, उनमें क्रमिक जो है जो फ्लो है चलता रहता है। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह को जो है एक तरह से थर्मोडायनेमिक्स जो सिद्धांत है उसके द्वारा हम सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवेश, स्थानांतरण और विभिन्न स्तरों पर इसका वितरण ऊष्मागति के सिद्धांत के अनुसार ही होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स जो थ्योरी है वो यहाँ पर लागू होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो सिद्धांत है उसमें से कुछ जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसका? एनर्जी का। यह है ऊष्मागति का प्रथम सिद्धांत है। ऊष्मागति का प्रथम सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा अनित्य एवं अविनाशी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही से नष्ट किया जा सकता, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में किया जा सकता है। ऊर्जा के इसी एक से दूसरे प्रारूप में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा रूपांतरण कहा जाता है। पौधों के द्वारा प्रकाशित ऊर्जा का भोजन की रासायनिक ऊर्जा में, और इसके बाद भोजन की रासायनिक ऊर्जा का श्वसन द्वारा ऊष्मा में रूपांतरण इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। पौधों द्वारा प्रकाशिक जो ऊर्जा है
इसकी कुछ मात्रा रासायनिक ऊर्जा के रूप में या भोजन के रूप में जो है संचित या संश्लेषित की जाती है। जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनको हम सोपोसी या हरे प्लांट्स कह सकते हैं, इनके द्वारा भोजन का अधिकांश भाग श्वसन क्रिया में खर्च हो जाता है और शेष बची हुई ऊर्जा जो है उससे पादप शरीर का निर्माण होता है। यानी जो प्लांट्स है उसका जो एक एनर्जी का जो बड़ा भाग है वो भोजन के रूप में ही काम आ जाता है और जो बाकी बचा हुआ है वो उसका जो बॉडी फॉर्मेशन जो शरीर का जो निर्माण है उसमें काम आता है। जब कोई शाकाहारी कोई भी जो हर्बीवोर्स है या जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, तो जब कोई शाकाहारी या प्राइमरी कंज्यूमर भोजन के रूप में इन प्लांट्स को काम में लेता है खाता है तो शाक भक्षी उपभोक्ता द्वारा यानी हर्बीवोर्स द्वारा इस भोजन का अधिकांश भाग श्वसन क्रिया द्वारा ताप ऊर्जा में चेंज कर लिया जाता है या बदल दिया जाता है और इस प्रकार से ऊर्जा का जो थोड़ा बहुत भाग शाकाहारी उपभोक्ता जंतु के शरीर में रह पाता है। यानी यहाँ भी श्वसन क्रिया में जो है खर्च हो जाती है और थोड़ा बहुत भाग जो है जंतु है अपने शरीर के निर्माण में काम में लेते हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा की मात्रा में कर्मिक ह्रास यानी धीरे धीरे उसमें जो गिरावट है ये प्रक्रिया निरंतर एक उपभोक्ता लेवल से दूसरे उपभोक्ता लेवल में यानी एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्तर में निरंतर चलती रहती है या जारी रहती है और प्रकाशित ऊर्जा की जो संपूर्ण जो मात्रा है वो धीरे धीरे जैविक घटकों में प्रवाहित होती रहती है। यानी वो जो है एक घटक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे घटक में, या एक जो ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, दूसरे से तीसरे ट्रॉफिक लेवल में स्थानांतरित या रूपांतरित हो जाती है। तो सजीवों की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्रकाशित ऊर्जा की नियमित आपूर्ति होती है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्थानांतरण एक रूप में न होकर यानी एक साइकिल के रूप में न होकर एक सीधी रेखा के रूप में होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक चक्र के रूप में न होकर एक जो है सीधी रेखा के रूप में होता है। इसी तरह से जो थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है वो है एंट्रोपी का नियम या लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय जो नियम है, सेकेंड नियम है, इसके अनुसार ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है तो इस रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का लॉस होता है और ये जो लॉस हो रहा है ये ऊष्मा के रूप में जो है वायुमंडल में चली जाती है। पौधों में उपलब्ध संपूर्ण प्रकाशित ऊर्जा पौधों द्वारा भोजन के रूप में संश्लेषित एवं संचित नहीं की जाती। यानी जो जितनी श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं उसके बाद में जो शेष बची एनर्जी जो है प्लांट से अपने शरीर के निर्माण में काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टोटल जो है एनर्जी वो जो प्रकाशित ऊर्जा है उसको भोजन के रूप में या जो है वो संश्लेषित या संचित नहीं कर पाते हैं प्लांट्स और उसका कुछ भाग जो है वातावरण में भी जाता है। सजीव अपने सजीव जो जो जीव हैं जितने भी एनिमल्स हैं जिसमें सजीव में दोनों हो गए प्लांट एनिमल्स, तो जो एनिमल्स हैं अपने भोजन द्वारा प्राप्त संपूर्ण ऊर्जा को अपने शरीर में एकत्र नहीं रख पाता और ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में किए गए विभिन्न प्रयोग या अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोई भी जीव अपने द्वारा प्राप्त कुल ऊर्जा का औसत 10% भाग ही अपने शरीर के निर्माण हेतु प्रयुक्त करता है। यानी जो एनर्जी जो है वो श्वसन क्रिया के बाद में अपने शरीर के निर्माण में काम लेते हैं जो प्लांट हो या एनिमल्स हो, तो वो उसका लगभग 10% भाग ही जो है शरीर निर्माण में काम आती है। बाकी एनर्जी कहाँ जाती है, बाकी एनवायरमेंट में जाती है। तो इससे अधिक वो जो है काम नहीं लेते, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो फूड चेन के अंतर्गत ऊर्जा का स्थानांतरण इसके दौरान जो है केवल 10% एनर्जी जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक में स्थानांतरित होती है और शेष एनर्जी जो है श्वसन क्रिया और जो है वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इस स्तर के प्राणियों द्वारा एकत्रित की जाती है ना, जो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल द्वारा, और जो यानी 10% जो है ना वो एक ट्रॉफिक लेवल द्वारा एकत्रित की जाती है, शेष 90% एनर्जी जो है ऊष्मा के रूप में उसका अवयव या खर्च जो है हो जाती है। वो इस बारे में सर्वप्रथम लिंडेमैन ने 1942 में इकोसिस्टम में जो खाद्य श्रृंखला के दौरान ऊर्जा प्रवाह के संबंध में ये जानकारी उन्होंने दी थी कि एनर्जी जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाती है तो उसका 10% भाग ही जो है स्थानांतरित होता है और शेष भाग जो है वायुमंडल में चला जाता है। तो लिंडेमैन ने 1942 में बताया कि
मिनीसोटा नामक स्थान पर जो है कोई एक झील है और उस झील का जो इकोसिस्टम है उसके जो विभिन्न ट्रॉफिक लेवल हैं उसको उसकी उन्होंने स्टडी की और वहाँ पर जो है ऊर्जा प्रवाह की जो प्रक्रिया है उसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया। तो लिंडेमन ने पाया कि जो ट्रॉफिक लेवल हैं उसको उन्होंने क्या किया कि कैपिटल एक्सर जैसे लेमडा से उन्होंने प्रदर्शित किया और जो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है उसको जो है छोटे लेमडा से प्रदर्शित किया, इसी तरह से उनको एक तरह से डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया। इस प्रकार उत्पादक द्वारा ऊर्जा लेमडा वन प्रथम उत्पादक स्तर से स्थानांतरित होगी लेमडा टू यानी द्वितीयक और द्वितीय से लेमडा थ्री यानी तृतीयक और तृतीय से लेमडा फोर यानी चतुर्थ जो उपभोक्ता है वहाँ तक पहुँचती है। तो लिंडेमन मॉडल के अनुसार किसी भी पोषक स्तर पर ऊर्जा जो ऊर्जा की जो मात्रा है उसमें जो परिवर्तन की दर है वो इस समीकरण के अनुसार होती रहती है, यानी जो एनर्जी जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाती है तो वो इस समीकरण के अनुसार डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू इक्वल्स टू लेमडा एन माइनस लेमडा एन वन। इसको इस आरेख द्वारा भी समझाया गया है और इस आरेख में हम ये समझ सकते हैं कि जो ए है ये पोषक स्तर में संग्रहित एनर्जी है यहाँ पर और जो है लेमडा एन यहाँ पर अगले पोषक जो स्तर है अगला जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसकी मात्रा और लेमडा एन वन जो है अगले पोषक स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा और जो शोषण के दौरान जो ऊर्जा था लॉस हुआ उसको प्रदर्शित किया गया है। अब हम इसी क्रम में ओडम के द्वारा जो प्रयोग किया गया इस बारे में उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ओडम ने 1963 में एक टिपिकल इकोसिस्टम में है ना टिपिकल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को समझाया और उन्होंने बताया कि जो डिब्बे व जो नलिकाएं हैं उनका एक उन्होंने एक मॉडल बनाया, डिब्बा बना के उसमें जो नलिकाएं हैं उनके द्वारा एक मॉडल बनाया और इस मॉडल में जो डिब्बे हैं वो ट्रॉफिक लेवल को प्रदर्शित कर रहे हैं और जो नलिकाएं हैं वो पाइप जो है वो एक पोषक स्तर में ऊर्जा प्रवाह के प्रवेश और निकासी को निरूपित कर रही हैं, है ना। तो जो बॉक्स हो गया वो क्या हो गया ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया जैसे मान लो प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल है उसके बाद ट्रॉफिक प्रोड्यूसर से जो है एनर्जी कहाँ जा रही है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, तो दूसरा ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया या दूसरा जो डब्बा क्या हो गया जो प्राइमरी कंज्यूमर्स जिसको हर्बीवर्स भी कह सकते हैं और हर्बीवर्स से कहाँ जा रही है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तो वो तीसरा बॉक्स हो गया एक तरह से। और यहाँ से जो एनर्जी जो निकल रही है उन एनर्जी जो बाहर जा रही है वातावरण में जा रही है तो वो क्या हो गई उनका जो एनर्जी का प्रवेश और जो है निकासी वो क्या हो गई एक तरह से नलिका ट्यूब्स। तो इस मॉडल के अनुसार यानी जो ओडम का मॉडल है इसके अनुसार जो प्रोड्यूसर हैं जो हेयर प्लांट्स हैं इनसे लगभग 3000 किलो कैलोरी जो है एनर्जी जो है सूर्य प्रकाश जो है से प्राप्त होती है और ये माना गया है कि लगभग इसका जो 50% भाग जो है अवशोषित होता है, है ना। मतलब जो हेयर प्लांट्स हैं उनको लगभग 3000 किलो कैलोरी जो है एनर्जी जो है सूर्य का प्रकाश मिलता है और इनमें से लगभग 50% ही अब्जॉर्ब होता है और ये अब्जॉर्ब मात्रा है इसमें भी लगभग ये माना गया कि 1% भाग जो है जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पर भोजन ऊर्जा या जो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो प्रथम श्रेणी के हुए शाकाहारी उपभोक्ता जो इन हरे पौधों को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं वे अपने शरीर में इसका केवल 10% भाग अर्थात केवल 1.5% किलो कैलोरी ऊर्जा ही संचित करते हैं। इसके बाद इन शाकाहारियों का भक्षण करने वाले मांसाहारी उपभोक्ता केवल 0.15 किलो कैलोरी जो है यानी 10% और 10% से थोड़ा कई बार ज़्यादा भी का ऊर्जा ही का संचय ही कर पाते हैं, इतनी जो ऊर्जा है उसी का संचय कर पाते हैं। इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है या ये कहा जा सकता है कि इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला जो इकोसिस्टम की जो फूड चेन है उसमें एक ट्रॉफिक लेवल को जो जितनी एनर्जी प्राप्त होती है उसकी जो सारी जो एनर्जी है उसका उपयोग नहीं होता बल्कि इसका अधिकांश भाग बिना किसी उपयोग के ही रह जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि शाकाहारी प्राणी पौधों की जड़ों या छाल या पत्ती जो भी इसका जो है मतलब कह सकते हैं कि जो प्लांट्स है उसका पूरा भाग जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जो पादप है
उस पूरे पादप को यानी उसका 100% भाग जो है पूरी से पूरी एनर्जी है उसको वो भोजन के रूप में नहीं कर पाते या वहाँ पर वो उसका स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि वो या तो पत्तियों को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं तो तना रह जाता है या उसकी जो छाल है वो रह जाती है या तना रह जाता है ना, तो टहनी जो भी है ये रह जाते हैं। इसका मतलब है कि संपूर्ण एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई। इसी प्रकार से जो मांसाहारी परभक्षी हैं वो अपने जो शिकार से जो मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स मान लीजिए आप, यानी प्लांट से जो हर्बीवोर्स में एनर्जी जो है 100% नहीं गई, पूरी तरह नहीं गई। हो सकता है कि ग्रासलैंड अगर मान लो इकोसिस्टम है तो वहाँ पर जो है एनर्जी जो है हर्बीवोर्स द्वारा ज़्यादा ग्रहण की जाती है, लेकिन अगर ट्रीज़ हैं तो ट्रीज़ में से बहुत सी जो एनर्जी है वो शेष रह जाती है, क्योंकि प्लांट्स जो हर्बीवोर्स हैं उसकी पत्तियों को ही ले पाते हैं, तना और जो है बाकी जो है वहाँ पर एनर्जी बची रहती है। इसी तरह से जो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं जिनको अपन हर्बीवोर्स भी कहते हैं, उनको खाने वाले मांसाहारी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं ये भी जो है प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में भी एनर्जी का प्रवाह है 100% नहीं होता, क्योंकि ये जो हड्डियों के रूप में या बाल के रूप में या जो खाल है ये इनकी शेष रहती है। वो इस कारण से कह सकते हैं कि जो है एनर्जी जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में 100% स्थानांतरित नहीं होती। तो इसको हम जो है इस डायग्राम के द्वारा भी जो है समझ सकते हैं। हम जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भोजन श्रृंखला में जो ऊर्जा के प्रवाह के जो है यहाँ पर 3 बॉक्स इस तरह अपने को दिखाई दे रहे हैं। ऊपर देखो ये बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें ट्रॉफिक लेवल पहला दिखाया गया, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट जो क्या है प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट्स हैं, और ट्रॉफिक लेवल दूसरा जो है इसमें हर्बीवोर्स हैं, और ट्रॉफिक लेवल तृतीय जो है इसमें कार्निवोर्स हैं। तो यहाँ पर 3 पोस्ट स्तर जो है इनको एक जो है बॉक्स द्वारा या डब्बे द्वारा जो है प्रदर्शित किया गया है, और ये जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एल है ये जो है प्लांट्स द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण एनर्जी जो है, और पीजी जो है एक तरह से सकल प्राथमिक उत्पादकता, ए जो है कुल संश्लेषण कितना है पीएन जो नेट प्राथमिक उत्पादकता, ई जो है द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादक जो उत्पादन है वो है, और एनईओ यहाँ पर जो एपिक ऊर्जा है उसको प्रदर्शित कर रहा है, एनए उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा का संश्लेषण नहीं किया गया यानी उत्क्षेपण, आर जो है सबसन में कंज्यूम की गई एनर्जी। इस तरह से जो है एनर्जी को एनर्जी का जो फ्लो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यहाँ बॉक्स हैं और ये जो नलिकाएं दिखाई गई हैं यहाँ से जो है एनर्जी जो है उसका निकास, तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रही है तो पूरी पूरी नहीं जा रही, बस उसका कुछ भाग ही जा रहा है, बाकी जो है वातावरण में मिक्स हो रही है। तो ये खाद्य सामग्री जिसका उपयोग किसी भी पोष स्तर के प्राणी करते हैं उसका कुछ भाग मल विसर्जन द्वारा उत्सर्जित हो जाता है, और इस प्रकार जो इकोसिस्टम का जो है एक ट्रॉफिक लेवल है या यूँ कह सकते हैं प्रत्येक जो ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पर ऊर्जा के प्रवाह के 10% के नियम की अनुपालना एक तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो वो जरूरी नहीं 10% ही हो, 10% के थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग 10% एनर्जी जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आगे प्रवाहित होती है। दूसरे नियम के अनुसार ऊर्जा की अधिकांश मात्रा स्थानांतरण के दौरान यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा उष्मा के रूप में या अन्य जैविक उपापचय क्रियाओं में एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर पर जाते समय खर्च हो जाती है। इस प्रकार एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा प्रवाह के दौरान ऊर्जा की मात्रा में धीरे धीरे कमी आती है, यानी जो जितनी एनर्जी पहले ट्रॉफिक लेवल में है उतनी दूसरे में नहीं जाती, दूसरे से तीसरे में नहीं, तीसरे में नहीं जाती। इसका मतलब है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो है एनर्जी का जो है ह्रास होता जाता है, उसमें कमी आती जाती है। उपयुक्त मॉडल ऊर्जा प्रवाह के सामान्यीकृत विवरण को प्रदर्शित करता है। एक तरह से ये जो है जनरलाइज एक तरह से जनरलाइज दिखा रहा है, जनरलाइज को प्रदर्शित कर रहा है, परंतु प्रकृति में सदैव जो प्रोड्यूसर हैं जिनको उत्पादक भी कहते हैं द्वारा निर्मित संपूर्ण भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से टॉप जो कार्निवोर्स हैं उनके द्वारा नहीं होता। तो उपयुक्त प्रकार का जो ऊर्जा प्रवाह है जो घास स्थल है, मैंने अभी बताया था ना कि घास में जो है जो मान लो मवेशी हैं हर्बीवोर्स हैं उस घास को उसका अधिकांश भाग वो कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो एनर्जी उस प्लांट्स के द्वारा जो सूर्य के विकिरण के रूप में जो संचित की गई है उसका अधिकांश भाग वो कंज्यूम कर लेते हैं, वहाँ ट्रांसफर हो गई, ज़्यादा भाग हो गया ट्रांसफर।
लेकिन प्रिंस के मामले में ये कम होती है, क्योंकि उसकी सिर्फ पत्तियाँ वो खाते हैं, बाकी जो तना है और उसके जो टहनी है, तो उसकी जो जड़ें हैं, छाल है, वो रह जाती है, इसका से वहाँ पर नहीं हो पाता। इसी तरह से जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें भी जो है इस तरह का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ऊर्जा का प्रवाह है, इस तरह का जो ऊर्जा का प्रवाह है, मुख्यतः ग्रासलैंड और एक्वाटिक इकोसिस्टम में देख पाते हैं, जहाँ पर प्राथमिक उत्पादन का जो अधिकांश भाग शाकाहारी के या जो हर्बीवोर्स हैं उनके खाने योग्य होता है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम और जो ग्रासलैंड है, यहाँ पर जो है जो संचित एनर्जी है वो प्रोड्यूसर से, यानी प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल से, जो प्राइमरी कंज्यूमर से दूसरा जो ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पर उसका अधिकांश भाग स्थानांतरित होता है, वातावरण में बहुत ही कमी रिलीज हो पाती है। तो इस चित्र के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो है एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, और ये जो है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स और डिकम्पोजर्स, इस तरह से ये जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो जो हो रहा है, लेकिन एनर्जी जो है पूरी मात्रा में जाके उसका लगातार ह्रास भी हो रहा है, उसमें कमी भी आ रही है। वन इकोसिस्टम में जो फॉरेस्ट कह सकते हैं, वन इकोसिस्टम में पौधों द्वारा निर्मित अधिकांश भोजन शाकाहारियों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता, इसके क्षय होने के कारण। वन के बारे में भी मैंने बताया था ना, प्लांट्स के बारे में बात की थी अपने, कि ट्रीज का जो है सिर्फ पत्तियाँ वो खाते हैं, तो इसके क्षय होने पर इसका उपभोग अपरदकारी है, अपरदकारी का मतलब डिकम्पोजर्स जिसमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल है, द्वारा इसका उपयोग होता है, तथा अपरदारियों द्वारा उपयोग मांसाहारी द्वारा होता है। यानी ये जो बैक्टीरिया है इनको फिर जो है छोटे जीव जो मांसाहारी जिसमें छिपकली वगैरह जिनको कह सकते हैं, लिजार्ड वगैरह, ये इनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला अपरद खाद्य श्रृंखला या जो डेट्रिटस जो है फूड चेन कहलाती है, और इसके या इसको जो है वाई आकार के मॉडल के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि इस डायग्राम में प्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करें जैसे ओडम का सार्वत्रिक मॉडल, सार्वत्रिक का मतलब तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एक तरह से। तो ओडम ने 1966 में एक और मॉडल प्रस्तुत किया और इसे यूनिवर्सल मॉडल कहा गया, जैसा कि हम इस चित्र में इसको देख सकते हैं। ये जो है मॉडल ओडम द्वारा 1966 में प्रस्तुत किया गया मॉडल। तो ये जो यूनिवर्सल मॉडल है, यहाँ पर जो है सपोर्ट डब्बा या जो बॉक्स है, यहाँ पर जो बी जो है यहाँ पर ये बायोमास को प्रदर्शित करता है, और इन सब्जियों में ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा की जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है वो आयद प्राप्त होती है। पौधों के लिए ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में, तथा प्राणियों के लिए उनके द्वारा खाए गए भोजन के बराबर होती है। यानी इन सब्जियों को ऊर्जा जो है आय प्राप्त होती है, और ये जो यहाँ पर जो है पौधों के लिए ये है ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए उनके द्वारा खाए गए भोजन या जो भोजन है उसके बराबर होती है। इस प्रकार से प्राणियों में पचाए गए भोजन व पौधों में संश्लेषित भोजन, है ना, संश्लेषित भोजन जो है वो उसमें एकत्र होता है, फोटोसिंथेसिस द्वारा जो भोजन बनता है वो संश्लेषित भोजन, और उस भोजन को जो प्रोड्यूसर है उसको अगर हर्बीवोर्स खा रहे हैं तो वो कितना ले रहे हैं उसमें अपचित निकल जाता है, लेकिन जो पच जाता है पचित भोजन वही तो संग्रहित होगा ना। तो इस प्रकार से प्राणियों में पचाए गए भोजन व पौधों में संश्लेषित भोजन की मात्रा के रूप में जो ए यहाँ पर दर्शाया वो ए ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार या इस प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग आर शोषण के रूप में खर्च हो जाता है, और इसके बाद शेष बची ऊर्जा जो है पी से कुछ कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जिनके द्वारा सजीव के शरीर का निर्माण होता है, जिसमें ऊतक और जो विभिन्न अंग हैं वो बनते हैं। तो ये जो है डायग्राम, इसके द्वारा हम इसको जैसे समझ सकते हैं। यही नहीं, ऊर्जा ए का कुछ भाग ऐसे जो है संग्रहित हो जाता है, जैसे पौधों में भूमिगत प्रकंद व कंदों द्वारा संचित भोजन, और प्राणियों में वसा जो है वो भी संचित होती है, वहाँ पर संचित भोज्य होता है। तो ऊर्जा की कुछ नगण्य मात्रा ई जो है जीवों द्वारा उत्सर्जन में
बाहर या उष्ण के रूप में बाहर या निष्कासित कर दी जाती है, निकाल दी जाती है। बचा हुआ ऊर्जा का शेष भाग जीवों का जो है बायोमास को बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो है ऊर्जा का प्रवाह है निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसमें निरंतर ह्रास भी होता है, यानी प्राथमिक जो पोषक स्तर है उससे दूसरे से तीसरे चौथे में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है तो उस दौरान जो है संपूर्ण ऊर्जा नहीं पहुंच पाती है, लगभग 10% के आसपास जो है एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पहुँचती है, बाकी जो है वातावरण में चली जाती है। थैंक यू।